नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, नागपुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से हम लिवर, लिवर की बीमारियां और लिवर प्रत्यारोपण से जुड़ी जानकारी आप सबके साथ साझा करते हैं। असाइटिस या जलोदर एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट में पानी भर जाता है और पेट धीरे धीरे फूलने लगता है। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई तरह की अलग अलग बीमारियों का लक्षण हो सकता है। आज हम असाइटिस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम पेट में पानी भरने की बात करते हैं, तो पानी एक्चुअली में भरता कहाँ है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी या टमी में पेरिटोनियम नाम की एक पतली परत होती है, जो सारे ऑर्गेन्स को सामने की तरफ से कवर करती है, यानी ढक के रखती है। इसकी दो लेयर्स होती है। असाइटिस का मतलब है पेरिटोनियम की दोनों लेयर्स के बीच में पानी का भर जाना। असाइटिस के कारण क्या है? असाइटिस का मुख्य कारण है लिवर के अंदर खून ले जाने वाली नसों में प्रेशर का बढ़ जाना और शरीर के अंदर अल्बुमिन नाम के प्रोटीन का लेवल कम हो जाना। इसलिए पूरी दुनिया भर में 70-80% मामलों में असाइटिस लिवर की बीमारियों में देखने को मिलता है। लिवर की इन बीमारियों में सिरोसिस या क्रोनिक लिवर डिजीज या एंड स्टेज लिवर डिजीज सबसे इम्पॉर्टेंट है। बड़े लोगों में यानी एडल्ट्स में सिरोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन या शराब की वजह से लिवर का खराब होना। बच्चों में लिवर फेलियर या सिरोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है विल्सन्स डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस या इस तरह की बाकी सभी आनुवंशिक बीमारियाँ, जिसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया भी शामिल है। लिवर की बीमारियों के अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जिसमें असाइटिस या पेट में पानी देखने को मिल सकता है। इसमें हार्ट फेलियर, ट्यूबरक्लोसिस, किडनी की बीमारियां और कुछ स्टेज 4 कैंसर्स शामिल हैं। किसी मरीज के पेट में पानी जमा होने का क्या कारण है, ये पता लगाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना बेहद ज़रूरी है। अब हम असाइटिस की वजह से होने वाले जटिलताएँ या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर असाइटिस का सही उपचार नहीं किया जाए और पेट में जमा पानी बाहर न निकाला जाए, तो कई प्रकार की जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। शुरुआती चरण में पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, थोड़ा ही खाने के बाद में पेट भरने का एहसास होना, पैरों में स्वेलिंग आना, वजन बढ़ना और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, ये सब समस्याएँ शामिल हैं। जब असाइटिस या पेट में पानी नॉर्मल अनुपात से बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत लंबे समय तक पेट में पानी रहता है, तो अलग तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसमें दम लगना, सांस लेने में खिंचाव होना, सोने के समय तकलीफ होना, छाती में पानी भरना, बैक पेन या पीठ में दर्द होना, नाभि के पास का या जांघों के पास का हर्निया, ये सब शामिल है। अगर लंबे समय तक इसका इलाज नहीं किया जाए, तो किडनी पे भी असर हो सकता है। इसकी वजह से कम यूरिन आना, क्रिएटिनिन का बढ़ना यानी किडनी में सूजन आना और हिपेटोरिनल सिंड्रोम या एक्यूट किडनी इंजरी दिखाई दे सकती है। पेट में जमा पानी में इन्फेक्शन एक सीरियस कंडीशन है। इसे मेडिकल भाषा में स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहा जाता है और इसकी वजह से मरीज को जान का धोखा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि असाइटिस का निदान कैसे होगा, असाइटिस का रीज़न क्या है, किस वजह से पेट में पानी भरा है, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। पेट में पानी किस वजह से भरा है, ये पता करने के लिए पेट का पानी सुई डाल के बाहर निकाला जाता है। इस पानी का टेस्ट किया जाता है। इस पानी में प्रोटीन का लेवल और ब्लड में प्रोटीन का लेवल दोनों के बीच कंपैरिजन करके कौन सी बीमारी की वजह से पेट में पानी भरा है, इस बात का पता लगाया जाता है। इसके अलावा पेट की सोनोग्राफी, पेट का सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी बीमारी के बारे में पता चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि असाइटिस का उपचार कैसे होगा, किस तरीके से हम पेट में भरे पानी को ट्रीट कर सकते हैं। पहला, दवाइयाँ। इसमें डायूरेटिक नाम की स्पेशल दवाइयाँ शामिल हैं जो पेट में जमे पानी को यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकालती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ तभी काम करेंगी जब पेट में पानी बहुत कम है या फिर बीमारी शुरुआती स्टेज में है। दूसरा, पैरासेंटेसिस।
पैरासेंटेसिस का मतलब है पेट में सुई डाल के पानी बाहर निकालना। जब पेट में बहुत पानी भरा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रात को सोते समय तकलीफ हो रही है, किडनी पे असर हुआ है या डायूरेटिक नाम की दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, उस कंडीशन में सुई डाल के पेट का पानी बाहर निकाला जा सकता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है और 3 से 4 घंटे में 4 से 5 लीटर पानी निकाल सकते हैं। थर्ड, शंट सर्जरी या टिप्स। जिन लोगों में असाइटिस का कारण लिवर की बीमारी है, यानी एंड स्टेज लिवर डिजीज या सिरोसिस है, लेकिन ये बीमारी शुरुआती अवस्था में है और पेट में पानी काफ़ी ज़्यादा भरा है, उन लोगों में लिवर को बाईपास करके पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन के बीच में एक शंट बनाया जाता है। इससे लिवर के अंदर खून ले जाने वाली नसों का प्रेशर कम हो जाता है और पेट का पानी कम हो जाता है। चौथा, लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर प्रत्यारोपण। जिन मरीजों का लिवर पूरी तरीके से खराब हो गया है, जिनकी बीमारी एडवांस स्टेज में है और पेट में बहुत ज़्यादा पानी है, उन लोगों में लिवर ट्रांसप्लांट करके असाइटिस से राहत मिल सकती है। दोस्तों, आज हमने असाइटिस या पेट में पानी जमा होने के बारे में विस्तार से बात की। पानी क्यों जमा होता है, किन किन बीमारियों में जमा होता है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस के मरीज अपने पेट में ज़्यादा पानी जमा होने से कैसे बच सकते हैं। पहला, लिवर सिरोसिस के मरीजों को अपने आहार में नमक की मात्रा को कम करना चाहिए। सिरोसिस के मरीज जितना ज़्यादा नमक खाएंगे, उतना ज़्यादा उनके पेट में पानी जमा होगा और उनके पैरों में स्वेलिंग आएगी। दूसरा, सिरोसिस के मरीजों को दिन भर में कम से कम पानी पीना चाहिए। अगर आपकी बीमारी एडवांस स्टेज में है तो हम 1.5 से 2 लीटर पानी ही पूरे दिन भर में पीने की सलाह देते हैं। तीसरा, हाई प्रोटीन डाइट खाना। जहाँ तक हो सके सिरोसिस के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे बॉडी के अंदर अल्बुमिन का लेवल बढ़ेगा और असाइटिस से राहत मिलेगी। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लें और अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ सही प्रकार से लें। सिरोसिस के मरीज अगर इन चारों बातों का ख्याल रखेंगे तो अपने पेट में बहुत ज़्यादा पानी जमा होने से बच सकते हैं। लिवर की बीमारियां और लिवर प्रत्यारोपण से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट livertransplantindia.info पर विजिट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।